सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SPNIT एस्टेब्लिश्ड इन 1961 रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस SPNIT वाज रैंक्ड 47 इन इंजीनियरिंग कैटेगरी एंड 98 इन ओवरऑल कैटेगरी बाय NIRF इन 2021 SPNIT हैज अ वास्ट कैंपस ऑफ अराउंड 250 एकर्स एंड इट हैज एवरीथिंग अ स्टूडेंट विल नीड फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट SPNIT हैज प्रोड्यूस्ड सच ग्रेट पर्सनालिटीज हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इंटरनेशनली and youngest IPS officer. So let us have a quick walk around across this beautiful NIT and have a campus tour of this. Hello everyone, welcome back to this new video. आज मैं SPNIT के गेट के सामने खड़ा हूँ और हम लोग जाने वाले हैं कैंपस टूर करने. काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैंपस है हमारा, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस अमॉन्ग ऑल दी NITs. तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कैसी कैसी चीज़ें हैं. अभी मैं SPNIT के अंदर एंटर कर चुका हूँ. सरदार की ये स्टैचू के सामने खड़े एंट्री यहाँ से करते हैं. इस साइड जो है सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और इस साइड हॉस्टल शुरू होता है. तो सबसे पहले MTB यहाँ पर है, मैं सबसे पहले वो दिखाता हूँ. चलो यहाँ पे जस्ट आप गेट से यहाँ से एंटर होंगे तो SBI का बैंक है. यहाँ पर स्टूडेंट्स के सारे बैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल है और वहाँ पर ATM है, तो आप अपने काम यहाँ पे करवा सकते हैं. अजय हमारे साथ है. अजय भाई तो ये रहा मदर टेरेसा भवन जो कि SPNIT का गर्ल्स हॉस्टल है. मेन गेट के हम लोग एंटर कर चुके हैं और ये रहा सीधा आगे का एंट्रेंस. यहाँ से अभी हम लोग लेफ्ट जाने वाले हैं. यहाँ से सारा भाई भवन, यहाँ से सारे हॉस्टल्स में पहले आप लोगों को दिखाता हूँ. सारा भाई भवन मतलब मैंने जैसा कि बताया कि सारे डिपार्टमेंट वाइज टीयर वाइज हॉस्टल अलग अलग है, तो ये MTech वालों के लिए ये हॉस्टल है. चलो दिखा. अभी हम लोग आप लोगों ने जैसा देखा कि सारा भाई भवन देखते हुए आ रहे हैं. अभी मैं आपको पूरा मैपिंग अच्छे से बता देता हूँ. ये सारा भाई भवन का रास्ता था, ये रहा मेन गेट. मेन गेट से हम लोग ने लेफ्ट लिया था और इस साइड ये सर्कल टाइप है, यहाँ से आप चारों तरफ जा सकते हैं. यहाँ से कैंटीन आपको आएगा, कैंटीन सामने ही है जस्ट, और उसके आगे लाइब्रेरी आएगा. तो वो हम लोग बाद में आप लोगों को दिखाते हैं, पहले यहाँ की ओर चलते हैं. तो इस साइड आप लोगों को सारे बॉयज़ हॉस्टल देखने को मिलेंगे, नर्मद, भाभा, नेहरू, तो सारी चीज़ें हम लोग आपको यहाँ पर दिखाते हैं. काना भवानी जॉइंट सी है साथ में. यहाँ पे दो रास्ते जा रहे हैं, एक आपको भाभा जाना हो तो सीधा जाना है और यहाँ से अंदर जाने पे स्वामी नेहरू और टैगोर भवन हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं. चलो तुझ पे ही आके रुकूं, तुम मिले तो लम्हे कम गए तुम. तो स्वामी हम लोग एंटर कर चुके हैं. ये स्वामी हॉस्टल का तो स्वामी में मेरे को कोई अपने दिखे हैं, मेरे क्लास वाले आशीष और प्रकाश, हाय. तो ये मैं अभी स्वामी के सामने खड़ा हूँ, जस्ट अभी आप लोगों को स्वामी के सीन्स दिखाए. अब थोड़ा सा इसके सामने वापस आते हैं. यहाँ से एंटर तो ये स्वामी आया. अब पीछे की साइड दो हॉस्टल और है, टैगोर भवन और नेहरू भवन, वो हम लोग आपको दिखाते हैं.
मेरा नेहरू भवन का हॉस्टल, यहाँ पर बीटेक वालों को नो एंट्री, यहाँ पे ये एमएससी वालों का है, जैसा कि बताया कि सारे ईयर वाइज है, तो एमएससी डिपार्टमेंट वालों को हॉस्टल यहाँ पे अलॉट। टैगोर भवन पहुंच चुके हैं, सीरीज वाइज सारे हॉस्टल्स कवर करते करते टैगोर। पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो टैगोर भवन में रहते हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले लोग भी यहाँ पर हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग भाभा भवन के जस्ट सामने खड़े हैं। भाभा भवन स्पेशली सेकेंड ईयर वालों को हॉस्टल अलॉट होता है, और अगर कुछ रूम्स अगर वैकेंट रह जाते तो थर्ड ईयर वालों को सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे मिलता है। भाभा भवन काफ़ी एक अच्छा हॉस्टल है, डबल बेड की यहाँ पर फैसिलिटीज है। आप लोग आओगे तो सेकेंड ईयर से आपको ये हॉस्टल अलॉट होगा। तो अभी हम लोग SBNIT की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, सारी जितने ग्राउंड है, कितने स्पोर्ट्स के कैसे कैसे ग्राउंड है वो हम लोग आपको दिखाएंगे। अंदर एंटर होते हुए सबसे पहले ये लॉन टेनिस का ग्राउंड है, इस साइड देख सकते हैं आप लोग, दिखा देते हैं। और इस साइड हम लोग दिखाते हैं बास्केटबॉल काफ़ी ज़्यादा लोग SBNIT में खेलते हैं, बहुत पसंदीदा है, रात रात तक लोग यहीं पर हॉस्टल से सोते होते हैं। नहीं, ये अपना BBC कोर्ट है, BBC बास्केटबॉल कोर्ट, दिखा दो भाई पूरा 360 डिग्री व्यू बास्केटबॉल को। तो बास्केटबॉल कोर्ट आप लोगों ने देख लिया है ना, पीछे उधर लॉन टेनिस बताया, बास्केटबॉल पीछे में घूम अभी इस साइड बास्केटबॉल के बाद आता है वॉलीबॉल कोर्ट, पीछे भी यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट में आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो। तो पीछे ये रहा हमारा वॉलीबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल खेलने के लिए यहाँ पे अभी जस्ट इस साल ही बनाई है, काफी अच्छा इसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो वॉलीबॉल खेलने के लिए ये ग्राउंड है, देख सकते हैं। SBNIT की खासियत ये मोर, इस कैंपस में इतने ज़्यादा मोर आपको देखने मिलेंगे, पूरे कैंपस की शान है ये, हमारा नेशनल बर्ड भी है पीकॉक। तो यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, सांप वगैरह है लग रहा है। हाँ, तो वहाँ लॉन टेनिस था, ये बास्केटबॉल और ये वॉलीबॉल, और इसके बगल में ये ग्राउंड जो दिख रहा है आपको, ये है फुटबॉल कम क्रिकेट ग्राउंड, दोनों स्पोर्ट्स यहाँ पर खेलते हैं। तो अभी तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खेत जैसा माहौल बन गया है, पूरा ज़्यादा घास है, लेकिन गर्मी के टाइम पे पूरी कट के एक ग्राउंड अच्छे से मेंटेन करते हैं, और स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ प्लेन एयरपोर्ट के पास है, अपना डुम्बस एयरपोर्ट के काफ़ी ज़्यादा पास है ये अपना कैंपस, प्लेन तो मतलब तो लैंड करते हैं। हाँ, तो बाबा के छत पर रुक जाते हैं, एरोप्लेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। गज्जर भवन हम लोग पहुंच चुके हैं, बॉयज हॉस्टल का आखिरी हॉस्टल जो है, ये फर्स्ट ईयर वालों को अलॉट किया जाता है, हमें तो मिला नहीं क्योंकि हमारा था फर्स्ट ईयर ऑनलाइन, तो हम लोग इसको देख नहीं पाए थे, क्योंकि आप लोग देख लो अभी आप लोग आओ रहे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में आपको बॉयज हॉस्टल यही है। तो ये देखा आप लोग ने, ये सामने का रास्ता है, वहाँ से हम लोग भाभा होते हुए आए थे है ना, तो ये गज्जर यहाँ पे था, अभी गज्जर से वापस रिटर्न आए, तो ये रास्ता फिर से आया, तो अब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है,
इस साइड चलते हैं। अब सारे गज्जर हमने कवर कर दिया, मतलब सारे हॉस्टल कवर हो चुके हैं। यहाँ से आप लोगों को सारे डिपार्टमेंट अभी हम लोग आपको दिखाते हैं। रास्ते से अभी हम लोग आए, हम लोग अभी कहाँ पे है, डिस्पेंसरी के सामने खड़े। तो ये रही डिस्पेंसरी SV90 का हेल्थ केयर सेंटर। किसी की भी अचानक से तबीयत या फिर मेडिकल इमरजेंसी आने पे यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो CS वालों का ये डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये है मेरी ब्रांच, मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अच्छे से दिखा। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। अजय जो मेरे साथ कब से है साथ में, वो इसी डिपार्टमेंट से है, तो ये ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। उसके यहाँ पे आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज MSc मैथ्स वालों का डिपार्टमेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ वैसे केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसे रास्ते की तरह यूज करके जाते हैं। थैंक यू मैकेनिकल, बस यही काम के लिए। बाकी इसकी अलग से कोई बिल्डिंग नहीं है, जो है यही है। गेट के सबसे ज्यादा पास जो डिपार्टमेंट आप लोगों को पड़ेगा, यह है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने सारे डिपार्टमेंट दिखा दिए, अभी हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी देखने, जो कि SV90 की लाइब्रेरी सारी NITs में सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है। आपके सुमित भैया लाइब्रेरी में जाते हुए, लाइब्रेरी में जाने की एक्टिंग करते हुए। कब से मेहनत कर रहे हैं, पूरा कैंपस दिखा रहे हैं, लाइब्रेरी के अंदर ही पानी पीने जाते हैं। अब हम लाइब्रेरी में एंट्री करेंगे, पानी पियेंगे और वापस आ जाएंगे। MSc केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट। तो जैसा कि ये चार रास्ता पे हम लोग स्टार्टिंग में आए थे, वापस घूम के यहाँ पे आ चुके हैं। अभी MSc केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देखा, यहाँ से लेफ्ट मैंने बताया था कैंटीन है, तो अभी कैंटीन की ओर चलते हैं। तो SV90 की कैंटीन, यहाँ पे सारी चीजें बहुत सस्ती मिलती है, तो कैंटीन का ये फायदा है। कैंटीन का बैक साइड है, कैंटीन के जस्ट बैक साइड के सामने ये जो जगह है, इसको हम कैंटीन सीमेंट्स इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जितने भी इवेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, मेनली इसी जगह पर परफॉर्म होते हैं। स्पर्स का जो डांस नाइट और सिंगिंग नाइट हुआ था,
यहीं पे हुआ था, तो रामनवमी भी यहीं पे सेलिब्रेट हुई थी। तो ये वन ऑफ द बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे चीजें होती है। अभी हम लोग लॉन्स SVNIT लॉन्स के सामने खड़े, ये ओल्ड CRC लॉन्स के नाम से जाना जाता है। और फर्स्ट ईयर में जो लोग मीट करते हैं सबसे ज़्यादा मिलते हैं इसी जगह पे मिलते हैं। अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ लोग नहीं है, पर जब सीजन नॉर्मल होता है तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब फर्स्ट ईयर में ही पड़े रहने वाले हो आप। फर्स्ट ईयर में आधे से ज़्यादा टाइम आप लोग यहीं स्पेंड करो। तो चलिए करते हैं यहीं पर इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, SVNIT का पूरा एक कैंपस का फील आ गया होगा। अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो डू ज्वाइन SVNIT। चलिए अब क्या बचा बोलने को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।